as someone who have been in the industry for so long, I want to ask you this question. Tanushree Dutta recently, like she accused veteran actor Nana Patekar of sexual misconduct on the sets of a movie. I want to ask, like I want to, especially Aamir and Amit ji, I want to ask your reaction. Also, she revealed a lot of other truths about the film industry. Firstly, I want to know your reaction on accusing Nana Patekar, a veteran actor like Nana Patekar, of sexual misconduct. सर ना तो मेरा नाम तनुश्री है और ना ही नाना पाटेकर सर ना तो मेरा नाम तनुश्री है और ना ही नाना पाटेकर कैसे उत्तर दूं आपके सवाल के वेल आई थिंक विदाउट नोइंग द वेरासिटी ऑफ समथिंग और द डिटेल्स ऑफ समथिंग आई डोंट थिंक आई कैन कमेंट ऑन इट इज नॉट राइट फॉर मी आइदर वे टू कमेंट ऑन इट बट आई वुड लाइक टू से दैट व्हेनेवर समथिंग लाइक दिस डज हैपन it's a really sad thing. Now, whether this has happened, and you know, that is for people to investigate. I don't think we can comment on that. Salman, one more question to you. This side, on your left, here. So, आप यहाँ पर हैं. हम खेल की बात कर रहे हैं और महिलाओं के बारे में हम जब भी बात करते हैं, देखा है हमने आप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं. लेकिन इन दिनों बॉलीवुड में कुछ ऐसा चल रहा है जिसको लेकर आपसे सवाल पूछना चाहेंगे. तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर पर कई आरोप लगाए हैं. और सलमान, आपको नहीं लगता कि इंडस्ट्री से होने के नाते आप लोगों को इस पर रिएक्ट करना चाहिए? क्योंकि वैसे हम देखते हैं इंडस्ट्री से हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है. आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस माय डियर. इफ आई एम अवेयर ऑफ दिस, लेट मी No, let me understand what is happening. Even for the earlier question, I've been here. I don't know what he's talking about, but I'm sure the legal team will handle that. And for what you are saying, if we will see what is going on, okay? I'm not aware of what you're talking. Thank you, ma'am. Thank you. इतना कुछ बोलना चाहूँगा. सबसे please request है कि इस host का dignity maintain करें. And this is an event. Which event have you come from, madam? Which event have you come from, madam? Salman, आप हमेशा हमें नहीं मिलते, इसलिए जब मिलते हैं इसलिए ये सवाल हम पूछना चाहते हैं. आपसे रोज मुलाकात हमारी नहीं होती. जी हाँ, लेकिन what event have you come from, madam? इवेंट से जुड़े सवाल पूछ सके हैं सर, पूछ चुके हैं ऑलरेडी सभी लोगों ने. ये सवाल जायज था इसलिए पूछा. आपने अपने हिसाब से आंसर किया. थैंक यू सो मच. दिया मैंने आपको. जी थैंक यू मैम. थैंक यू. प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि दिस इज अ स्पोर्टिंग इवेंट एंड बी सपोर्टिव. और स्पोर्ट्स दिस इज अ स्पोर्टिंग इवेंट, बी स्पोर्टिंग. थैंक यू मैम. फर्दर क्वेश्चन प्लीज. और नाना पाटेकर को हीरो बनना था. बेचारे को हीरो किसी ने नहीं बनाया. सब हीरो बन गए उसके आसपास और वो कैरेक्टर आर्टिस्ट ही रह गया. तो उसको हीरो बनना है तो वो क्या करता है? लड़कियों के साथ मिसबिहेव करता है, बुली बिहेवियर, इंटिमिडेशन बिहेवियर, क्योंकि उसको हीरो बनना है. कोई लड़की, कोई हीरोइन उसको भाव नहीं देती है. हीरो के हिसाब से हीरोज को कितना भाव मिलता है? सारी लड़कियाँ मुस्कुरा के आसपास घूमती है, इसके आसपास कोई नहीं घूमती है. तो उसको बड़ी तकलीफ होती है. उसको हीरो बनना है तो लड़कियों को परेशान करके, उनको इंटिमिडेट करके. अच्छा, परेशान नहीं हुई तो मनसे के साथ हाथ जोड़ लिया. एक नालायक और एक हीरो बनते बनते रह गया. दोनों ने हाथ जोड़ लिया साथ में तो यही तोड़फोड़. और मेरी मत मारी गई थी, मेरी किस्मत भी फूटी हुई थी कि मैं उसी सेट पे, मैं वहां पे हूं. मैं कहीं और होती तो कोई और लड़की होती, किसी और के साथ ये होता. हीरोगिरी के लक्षण है. आपको हीरो बनना है और लीडर बनना है. आपके हीरो जैसे कोई गुण नहीं है आप में. हीरो वो होता है तो हीरोइन को बचाता है. हीरो वो होता है जो गुंडों से हीरोइन को बचाता है. ये नहीं कि गुंडे बुलाता है हीरोइन के ऊपर मारपीट करने के लिए. कैसे? तो यू नो व्हाट आई एम सेइंग. आपको पर्सनली क्या लगता है कि ये कब खत्म होगा और बॉलीवुड सेलिब्रिटी कब बोलेंगे? जैसे अभी आपके केस में और कास्टिंग काउच को लेकर भी बहुत सारे किस्से होते हैं, तो उसके ऊपर आप सब बॉलीवुड में मीटू की बात स्टार्ट हुई थी. जरा सीवियर एक्शन पीपल लॉस्ट ऑन इंपॉर्टेंट रोल्स, इंपॉर्टेंट जॉब्स. डू यू थिंक द सेम विल हैपन इन बॉलीवुड? आई वांट इट टू. दिस विल बी द प्रेसिडेंट. अगर यहाँ कुछ नहीं हुआ तो आगे भी कुछ नहीं होगा. इज दैट सिंपल एज दैट. नाना पाटेकर जैसा चिंदी चोर को अगर तुम गिरा नहीं सके तो तुमको लगता है तुम बड़े बड़े एक्टरों को, बड़े बड़े डायरेक्टरों को, किसी को भी गिरा सकते हो? मी टू मूवमेंट में अच्छे अच्छे दिग्गज हॉलीवुड के, हार्वी वाइनस्टाइन, उसने ऑस्कर्स जीते थे.
जो वहाँ के नेशनल अवार्ड्स और इसके बराबर उसके भी ऊपर की बात है। जो हॉलीवुड मूवी होती है वो पूरे दुनिया में जाती है, हमारी मूवीज़ सिर्फ हिंदुस्तानी देखते हैं और दूसरे देशों में जो हिंदुस्तानी सेटल्ड है वो देखते हैं। हॉलीवुड मूवीज़ पूरे देश में सैकड़ों लैंग्वेजेस पर डब होकर लोग देखते हैं, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। तो वहाँ का अगर सबसे टॉप प्रोड्यूसर था जिसने कितने ऑस्कर जीते थे, अगर उसको गिराया गया, और यहाँ पे एक चिंदी नाना पाटेकर को अगर कोई बाल बाका नहीं कर सकता तो लानत है, लानत है हमारे देश पर। ये चिंदी चोर है कंपैरिजन में, ये बड़े एक्टरों के आड़ में अपना करियर चला रहा है, इसकी खुद की कोई पोजीशन नहीं है। रजनीकांत ने इसको काला नहीं दी होती तो इसको कोई नहीं पूछता, अक्षय कुमार ने उसको वेलकम और वेलकम बैक और ये सारी पिक्चर नहीं दी होती उनको कोई नहीं पूछता। शाहिद कपूर गणेश आचार्य के साथ काम नहीं करेगा तो उसको कोई नहीं पूछेगा, इनकी औकात नहीं है। ये इन बड़े स्टार्स के पीछे छुपकर इनकी औकात बनती है। तो अगर ऐसे लोगों को हम नहीं गिरा सकते और गिराना नहीं चाहते तो ये तो मेंटालिटी की प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं गिरा नहीं सकते, हिल तो गए हैं लेकिन उनको नुकसान भी होना चाहिए। क्योंकि अगर एक इंसान को आप बोलने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं ये गलत है आप वापस नहीं करेंगे, और दूसरों को आप बताने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं ये गलत है आप नहीं करेंगे, तो चोर को सिर्फ धमकी देके तुम भेज नहीं सकते हो कि भाई चोरी मत कर बेटा, वो फिर आके कहीं और चोरी करेगा। उसको लॉकअप में बंद रखो, उसको सज़ा दो तो उसको थोड़ा दिमाग में आएगा कि अरे चोरी करूँगा तो फिर सज़ा हो जाएगी मुझे, तो सज़ा तो मिलनी चाहिए ना। और ये रिवेंज नहीं होता, ये This is act of compassion. If you want to correct someone, if you really want to help someone, you will have to discipline them. And the only way to discipline people is by taking away what means most to them. Because if they have been instrumental in taking away what means most to somebody else, they have to be in the same situation so they can understand what it feels like. So they can also develop compassion in their life. Today I have compassion. You know why? I know what it feels like. Meri puri is ordeal ke through, I have developed immense compassion for a lot of people who are suffering various things. Kyunki is incident ki wajah se mujhe time to time depression feeling bhi hui. Is incident ki wajah se mujhe time to time maine haar bhi mani. Is incident ki wajah se time to time mujhe gussa bhi aaya. Ki aise kaise log bartav kar sakte hain. Is incident ki wajah se मुझे अपने करियर से दूर जाना पड़ा, तो ये भी महसूस हुआ कि जब किसी से आप उसकी लाइवलीहुड छीन लेते हैं या उसका पैशन आप छीन लेते हैं, उसका मकसद छीन लेते हैं, तो उसको कैसा महसूस होता है। Well, I came to India for a holiday and I got this response from the media. A lot of people wanted to speak with me. कि why have you been away? And last 8 years में all kinds of gossip about me, malicious gossip in print, on YouTube, behind closed doors, ये हुआ होगा वो हुआ होगा this and that. I wanted to set the record straight. तुम खुद अपने आप मनगढ़ंत कहानियाँ बनाओ, people, media, everybody, तुम मुझसे ही सुन लो क्या हुआ। मैंने 10 साल पहले बोला था और 10 साल उसके बाद और भी कई चीज़ें मेरी लाइफ में हुई। मेरे आध्यात्म की तरफ मैंने रुख किया, वहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा, वो एक जर्नी थी मेरी लाइफ की जिसकी वजह से आज मैं खड़ी भी हूँ आपके सामने और क्लैरिटी से शक्ति से बोल भी रही हूँ फिर से अपनी कहानी, जो जंग मैं बहुत पहले छोड़ के जा चुकी थी। बिकॉज आप नहीं लड़ सकते अकेले, आप बोलते रहो एक ही चीज़ क्या हुआ था, सारे बता तो दिया, तुमने क्या किया सुन के। जब रिजल्ट नहीं आता है तो यू कैन कीप वेस्टिंग एनर्जी टॉकिंग ना। आई रादर वॉन्टेड टू कंजर्व माई एनर्जी एंड फोकस ऑन माई ओन पीस, माई ओन वेलबींग, एंड दैट्स व्हाट आई डिड। तो ये सारे इंटरव्यूज चल रहे थे और किसी ने मुझे पूछ लिया कि हमारे देश में मी टू मूवमेंट क्यों नहीं होता, तो मैंने बोला मी टू मूवमेंट कहाँ से होगा, 10 साल पहले जब मैंने कंप्लेन की थी उसका क्या हुआ, मुझे जस्टिस मिला। सब तो ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि ऐसे कुछ भी नहीं हुआ, लोग भी काम कर रहे हैं इन लोगों के साथ, उसको पहले मैटर सॉल्व करो फिर मीटू शीटू बोलना।
यहाँ पे इंडिया में ना सबको आदत है, अमेरिका में जो भी होता है उनको कॉपी करना है, यहाँ पे वहाँ के कपड़े कॉपी करने, वहाँ के हेयर स्टाइल कॉपी करना है, वहाँ मीटू हुआ तो यहाँ भी सबने शुरू कर दिया। तुम हो क्या मीटू के लायक? वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम और वहाँ का जो कम्युनिटी है, वहाँ की अवेयरनेस, सोच और विचारधारा मीटू सिस्टम, मीटू मूवमेंट को सपोर्ट करती है। वहाँ के उस देश में ये मूवमेंट तब हुआ जब लड़कियों ने सामने आके बात बोलनी शुरू कर दी। जब तक उन्होंने बोली नहीं थी तब तक सारा कुछ ढका हुआ था, लेकिन जब उन्हें बोलना शुरू कर दिया पूरे का पूरा पहाड़ गिर पड़ा। लेकिन हमारे देश में लड़कियां आदि युग से बोलती आ रही है लेकिन तुम लोग सुनते नहीं हो। तुम लोग लड़कियों को ही प्रोस्टिट्यूट बना देते हो कि यार तो ऐसी होगी, यार तो वैसी होगी, झूठ बोल रही होगी। सबसे पहला रिएक्शन हमारे देश में जब भी कोई लड़की कुछ भी कंप्लेन करती है, ये तो मैं अभी हरासमेंट की बात कर रही हूँ, असॉल्ट भी होते हैं, अब्यूज़ भी होते हैं और कितनी सारी चीज़ें। एक लड़की अगर आके किसी पर, किसी आदमी पर ये भी आरोप लगा लेना कि इसने मेरी कोई चीज़ चुरा ली, उस पर भी सबसे पहले डाउट उस पर फेंका जाता है कि लड़की सच बोल रही है कि झूठ बोल रही है। तो तुम लोग ऐसे हो, तुम लोग मीटू के लायक नहीं हो, तुमसे नहीं होगा मीटू यहाँ पे। तो ये अमेरिका को कॉपी करके हमको मीटू करना चाहिए। तुम अगर एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे जहाँ पे लड़कियों को लगेगा कि हाँ अगर हम आके कुछ बोलते हैं तो उसका कुछ निकलेगा असर, यहाँ मैं नहीं बोल रही हूँ कि पूरा पहाड़ टूट के गिरना चाहिए, हिला तो थोड़ा सा हिले तो एक आध कंकड़ पत्थर तो गिरे, यहाँ पूरा का पूरा पहाड़ वैसे ही फिक्स रहता है तो कौन आएगा बोलने के लिए। मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, मैं अमेरिका में रहती हूँ, मेरे को वहाँ का ग्रीन कार्ड मिल चुका है, मैं वहाँ की रेसिडेंट हूँ, अभी यहाँ पे हूँ, छुट्टियाँ मना के चली जाऊँगी, वहाँ पे मेरी लाइफ है, वहाँ पे मेरी जॉब्स है, वहाँ पे मेरी इनकम है, मैं आऊँगी फिर से नेक्स्ट ईयर छुट्टियाँ मनाने के लिए। तो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि ये बॉलीवुड वाले मेरे साथ काम करें ना करें, लेकिन जिन लड़कियों को आप बोल रहे हैं कि आगे आके आप बोलो, उनको फ़र्क पड़ता है, बिकॉज उनकी पूरी लाइवलीहुड यहाँ पे है, उनकी सोसाइटी यहाँ पे है, आप समझ रहे हैं। तो ये बस बोलने की बातें हैं, आपको माहौल क्रिएट करना पड़ेगा जब कोई इंसान कंफर्टेबली बोल भी सके, और सुनो बस फिर डिसाइड करो। यहाँ पे सुनते ही नहीं है लोग, पहले अजीब सा कुछ थ्रो कर देंगे आपके ऊपर, माइंडलेस आर्ग्यूमेंट्स हैपन इन दिस कंट्री, व्हाट्स गोना हैपन। सो वहाँ से फिर बात शुरू हुई, मैंने ये स्टेटमेंट दिया तो सारा वायरल हो गया, एंड आप लोग अभी यहाँ पे आए हैं, तो मूवमेंट आप लोग क्रिएट कर रहे हैं, मैं नहीं, मैं छुट्टियाँ मनाने आई थी। मन से और बाला साहब ठाकरे एक पार्टी नहीं है, बाला साहब ठाकरे की डेथ बहुत पहले हो चुकी है। व्हाट आर यू कनेक्टिंग? मन से पार्टी इज डिफरेंट, शिवसेना इज डिफरेंट, दोनों को जोड़ क्यों रहे हो? राज ठाकरे का इन्वॉल्वमेंट था, मन से उनकी पार्टी है ना, क्या तो कहीं से कुछ भी लाते हो। मन से इज राज ठाकरे, उनकी बात करते हैं, यहाँ वहाँ से लोगों को मत लाओ। तो क्या जैसे अभी आपने कहा तोड़फोड़ कौन करता है हमारी इंडस्ट्री में, हमारे हमारे बॉम्बे में? मन से करती है ना, तो मन से की बात करते हैं, राज ठाकरे की बात करते हैं। बाल ठाकरे को क्यों ला रहे हो? राज ठाकरे को बाल ठाकरे की कुर्सी चाहिए थी, बेचारे को मिली नहीं, उसके बेटे को मिल गई, तो अभी उसके दिल में अभी उसको प्रूव करना है पूरी दुनिया को कि मैं भी लायक हूँ और काबिल हूँ। नालायक जब अपने आप को लायक प्रूव करने की कोशिश करता है ना, तो यही होता है तोड़फोड़। वो हर जगह अपने जैसे गुंडों को उसने जुगाड़ किया है अपनी पार्टी बनाने के लिए, और अपने गुंडों को हर जगह भेजता है तोड़फोड़ करने के लिए। जिसको भी कहीं भी तोड़फोड़ करवानी होती है ये मनसे को कॉन्टैक्ट करते हैं। उसको कुर्सी नहीं मिली बाला साहब ठाकरे की, तो आज उसको तकलीफ हो रही है, आज भी उसको तकलीफ हो रही है कि मुझे लीडर क्यों नहीं मानते, मुझे सरकार राज बनानी है। नहीं बनाएंगे, कोई तुमको लीडर नहीं बनाएगा, सरकार राज नहीं बनाएगा। लीडर वो होता है जो अपने से जो कमज़ोर हैं उनकी सुरक्षा करता है, औरतों की सुरक्षा करता है, औरतों पर दबाव नहीं डालता, औरतों के गाड़ियों पर, औरतों के ऊपर अटैक नहीं करता, वो लीडर नहीं होता है।